नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग में। आज मैं फिर से छत पर आया हूँ क्योंकि हल्की सी धूप है। फर्जी का ट्रेलर आ चुका है जो कि प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी 10 फरवरी को। शाहिद कपूर ने वेब सीरीज़ की दुनिया में कदम रखा है। अब इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं, ट्रेलर मुझे कैसा लगा उसके बारे में बात करेंगे। फर्जी के ट्रेलर का इंतजार काफ़ी लोगों को था। फर्जी का एक ट्रेलर अभी एक या दो दिन पहले एक नकली वाला ट्रेलर भी रिलीज़ किया गया था। तो इसमें है शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मेनन, राजी खन्ना और हमारे बड़ा पुराने स्टार जिनकी एक सुपरहिट मूवी थी गोलमाल, अमोल पालेकर। ये शाहिद कपूर के शायद पापा बने। फिल्म देख के वो ट्रेलर देख के ऐसा ही लग रहा है। दो ट्रेलर रिलीज किए गए, एक अनसेंसर्ड है और एक सेंसर्ड है। सेंसर्ड वाले में चूतिए और ये उल्टी सीधी तरह की गालियाँ हैं वो निकाल दी गई हैं। मिडिल फिंगर ऐसे दिखाई गई है, उसको ब्लर कर दिया गया है। अनसेंसर्ड वाले में ये सब नहीं किया गया है। तो मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आई कि जब अनसेंसर्ड वाला भी यूट्यूब पर ही डालना था तो सेंसर वाला क्यों डाला। गालियाँ ट्रेलर में ऐसे ही रिलीज करनी थी तो सेंसर वाली डालने की क्या ज़रूरत थी। चलो ठीक है, जो भी इन्होंने किया डाला होगा, उन्होंने अपने हिसाब से डाला होगा। अनसेंसर्ड लिख रखा है तो जिसको समझ में आ जाएगा अनसेंसर्ड है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है तो ठीक है, मत देखो, जिसको नॉर्मल देखना देखो। लेकिन जब वेब सीरीज़ देखोगे आप तो आपको वो सारी गालियाँ सुनने को मिलेंगी जो उसमें हैं, और हो सकता है इसमें कम है, वेब सीरीज़ में ज़्यादा हो, क्योंकि वेब सीरीज़ बनती ही इसलिए है जिसमें अनाप शनाप गालियाँ भी इस्तेमाल की जा सके। ट्रेलर देख के कहानी ये समझ में आ रही है कि शाहिद कपूर एक पेंटर है जिसकी ख्वाहिशें हैं, जिसके पास पैसा नहीं है और पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी करेगा। जिसकी ये राय है कि अगर पैसा है तो वो कुछ भी खरीद सकता है। लोग बोलते हैं ना कि जिसके पास पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता, पैसा होता है तो खुशियाँ भी खरीदी जा सकती हैं। जिसकी ऐसी राय है और वो ऐसा आर्टिस्ट है जो किसी को भी हूबहू कॉपी बना सकता है। तो ये अपना दोस्त है एक फिरोज नाम का, उसके साथ में मिलके नकली नोट बनाने की सोचता है। और ये जब नकली नोट छापता है, ट्रेलर देख के ही इतना पता लग रहा है, तो वो हूबहू छापता है, मार्केट में खूब चलते हैं और इससे ये पैसा बनाता है। इसी को पकड़ने के लिए जाकिर खान ही नाम है, जो कई फिल्मों में देखे हैं आपने, हीरोपंती 2 में भी थे, पंचायत में जाकिर खान के साथ में है, तो मुझे लग रहा है जाकिर खान ही नाम है। जाकिर हुसैन तो है नहीं नाम, जाकिर खान ही है। वो भी हैं इसमें, वो मिनिस्टर बने हैं और वो विजय सेतुपति को अपॉइंट करते हैं। किस लिए? इसको पकड़ने के लिए, शाहिद कपूर और शाहिद कपूर की टीम को पकड़ने के लिए। तो ऐसी स्टोरी हमने पहले भी देखी है, स्पेशल 26 है, इसमें नोट तो नहीं छापता लेकिन नकली काम करता होता है। मनोज वाजपेयी को अपॉइंट किया जाता है और डॉन में भी वो नकली नोट छापने की वो लिए घूमता है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा उसका पीछा करती है। तो कॉन्सेप्ट तो नया नहीं है, कॉन्सेप्ट तो पुराना ही है। स्टोरी भी नई नहीं है, स्टोरी भी पुरानी है, लेकिन स्टारकास्ट नहीं है तो इसमें मज़ा आएगा। शाहिद कपूर है, विजय सेतुपति है, पहली बार वेब सीरीज में आ रहे हैं, तो ये थ्रिलर है तो ये ट्रेलर देख के मज़ा तो आ रहा है। आप इसको इनडायरेक्टली टॉम एंड जेरी समझ सकते हैं मेरी समझ में, क्योंकि टॉम एंड जेरी में क्या होता है, टॉम जेरी के पीछे कभी जेरी टॉम के पीछे रहती है, इसमें भी यही है। इसमें बस विजय सेतुपति शाहिद कपूर के पीछे है, ठीक है। तो ये थ्रिलर मैं अटकता नहीं हूँ, मैं सब बोल लेता हूँ, लेकिन जब जल्दबाजी करता हूँ तो मैं ये सब गलत बोलता हूँ। थ्रिलर वाला जो है उसे क्या कहते हैं, टॉम एंड जेरी समझ सकते हैं आप इसको, और इसमें मज़ा बहुत आएगा। विजय सेतुपति की जो हिंदी दिखाई गई टूटी फूटी, अगर वो आवाज़ विजय सेतुपति की ही है तो मुझे वैसे पता नहीं वो आवाज़ किसकी है, लेकिन हो सकता है वो विजय सेतुपति की आवाज़ हो, लग भी रहा है, क्योंकि कोई भी विजय सेतुपति से डब्ड करवाएगा तो शुद्ध हिंदी बुलवा देगा, टूटी फूटी हिंदी क्यों बुलवाएगा। तो वो बड़ा अच्छी लगती है, वो बोलता है तुझको कहीं भी बैठेंगे मसाज, तो वो ऐसे करके उंगली दिखाता है। जाकिर खान से बोलते हैं कि मैं तुझे निष्कासित कर दूंगा, तो बोलता है व्हाट इज निष्कासित सर, तो बोलता है टर्मिनेशन, मिनिस्टर को ट्रांसलेटर बना के रखा है। बहुत अच्छी डायलॉग डिली हुई। अमोर पालेकर पूछते हैं बेटा तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे? नहीं, कोई गलत काम नहीं कर रहा, रोज की कसर। तो मुझे ऐसा लगता है शाहिद कपूर की एक्टिंग दमदार होती है। विजय सेतुपति को आप कितनी फिल्मों में देख सके, दमदार होती है, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो विक्रम हो। और विजय सेतुपति की DSP नाम की फिल्म आई हुई है, जिसे भी जाकर देखी, अभी मैंने पूरी देखी नहीं है। और भी फिल्में हैं, जैसे वो जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलन है, रजनीकांत की जो फिल्म है, पिट्टा नाम है कि काला नाम है, ऐसे करके है कुछ उसका नाम, तो वो फिल्म है, उसमें भी विजय सेतुपति है। तो विजय सेतुपति की एक्टिंग बहुत फंटास्टिक होती है।
राशि खन्ना का इतना ज़्यादा करेक्टर दिखाया नहीं गया, के मेनन को दिखाया गया। के मेनन मुझे ऐसा लगता है पुलिस की तरफ से नहीं है, वो जो होता है ना बड़ा एक डॉन होता है, एक डॉन से बड़ा भी होता है, तो या फिर एक छोटा मोटा गुंडा होता है, एक फिर डॉन होता है, एक एरिया का डॉन होता है, एक पूरे इलाके का डॉन होता है, तो वो बड़ा वाला वो दिखाया गया। मुझे लग रहा है वो नकली नोट इधर उधर करवाता होगा, ऐसा लग रहा है देखने में, सीरीज़ देखने में पता लगेगा कि कैसा क्या है। के मेनन की एक्टिंग गूजबम्प देने वाली होती है, तो के मेनन की एक्टिंग इसमें भी वैसी ही होगी। आप सौरे फिल्म का वो लास्ट वाला देखो जिसमें राहुल बोस को हीरो बना के पेश किया गया था, दीपक डुबरियाल को हीरो बना के पेश किया गया था, और विलेन होते हुए भी उसमें सिर्फ के मेनन ही याद रहता है, जिसमें के मेनन का स्पेशल अपीयरेंस है। के मेनन की स्पेशल ऑप्स पार्ट वन देख लो, मज़ा आ जाएगा आपको। स्पेशल ऑप्स 1.5 देख लो, मज़ा आ जाएगा आपको। के मेनन की रहस्य फिल्म देखो, मज़ा आएगा आपको। के मेनन की और भी बहुत सारी सात उचक्के कितनी फिल्में हैं आप देखो। के मेनन की एक्टिंग बहुत दमदार होती है। के मेनन की चाहे आप बेबी देख लो, मैं सुना है उसको अबू सलेम को ये एसी वाला रूम दिए थे, कहा है भाई हमको हमने कोई छोटा काम किया है क्या, ऐसे करके है ना डायलॉग। तो जो फर्जी है आरी तस को देखते क्या है, देखने के बाद बात करते हैं, लेकिन फर्जी बहुत शानदार है, मुझे बड़ा मज़ा आया ट्रेलर देख के, इंतज़ार भी था। तो हम अपना रिव्यू करेंगे यहीं खत्म, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सलाम प्रणाम, सत श्री अकाल, केम चो खड़ी खंबा, भारत माता की जय, जय हो। यहाँ का व्यू बड़ा शानदार होता है, मैं इसलिए भैया यहाँ बनाता हूँ अगले वीडियो।